दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से भारत ही जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार रहा था पाकिस्तान, जीतने के लिए 350 ज्यादा रन चाहिए थे, बाबर भी आउट हो गए थे, लेकिन तब मैदान में रिजवान व शफीक ने कुछ ऐसा किया ना कि देखकर रोहित कोहली को भी सोचना पड़ रहा होगा कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दोस्तों एक हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर दिया। इनकी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम, रिजवान, साथ ही साथ रोहित शर्मा और गिल में एक बेहतर जोड़ी कौन सी है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबला आज पाकिस्तान व श्रीलंका की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें वर्ल्ड कप जीतने के लिहाज से शुरुआती दौर में इन दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो मुकाबला था, क्योंकि यहाँ से हारते तो पॉइंट्स टेबल में नीचे जाना दोनों का कंफर्म था। खैर दोस्तों मुकाबले की बात करें तो ये शुरू होता हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है वैसे ही घंटी बज जाती है कि भाई हाई स्कोरिंग तो मैच होना ही है, क्योंकि श्रीलंका के एक नहीं बल्कि दो दो खिलाड़ी मैदान में आकर आज शतक ठोक कर गए, पाकिस्तान की बैंड बजा कर गए। दोस्तों वैसे तो कहने को पाकिस्तान की टीम पूरी दुनिया में अपनी गेंदबाजी की ताकत के लिए पहचानी जाती है, लेकिन आज कई कई गेंदबाजों ने 70 से ऊपर रन दे डाले पाकिस्तान के। श्रीलंका की टीम की तरफ से भले ही कुशल परेरा शून्य पर आउट हुए थे, लेकिन जरा इन तीन खिलाड़ियों के आंकड़े तो सुनिए। 51 रन निशंका, 77 गेंदों में 14 चौके 6 छक्के जड़कर कुशल मेंडिस ने 122 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, तो वहीं कुछ ऐसी ही मिलती जुलती इनिंग टीम के विकेटकीपर बैट्समैन समर विक्रमा खेलकर गए, जिन्होंने 89 गेंदों पर 11 चौके 2 छक्के जड़कर 108 रन बनाए थे। आगे कोई बहुत कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों जब 50 ओवर में 344 रन बन जाएं तो वनडे के लिहाज से सफिशिएंट स्कोर माना जाता है। 345 का टारगेट इस मैदान पर पाकिस्तान को मिला। अब वैसे 200 टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम एक मजबूत बल्लेबाजी यूनिट लेकर चलती है और आज उनकी बल्लेबाजी में कितना दम है ये सबको पता चल भी चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि पहला विकेट गिरने में मात्र 4 ओवर लगे, जब इमाम उलक 12 रन पर आउट हुए थे, लेकिन सबको पता चल गया था कि पाकिस्तान की टीम की हार कंफर्म हो गई है, क्योंकि बाबर आजम टीम के कैप्टन जो पिछले मैच में भी फ्लॉप रहे थे, इस बार भी 15 गेंदों में एक चौका जड़कर 10 रन पर 200 मधुशंक की गेंद पर एक ऐसा गलत शॉट खेलते हैं कि उनका कैच बड़े आसानी तरीके से समर विक्रमा पकड़ते हैं और उनकी पारी 10 रन पर ही समाप्त होकर रह जाती है। अब दोस्तों बताइए अगर कप्तान आउट हो जाएंगे वो भी 4-5 ओवर के अंदर तो क्या विरोधी नहीं जीतेगा, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना अक्सर वही ज्यादा होता है जो सोचा नहीं होता। दोस्तों 8वें ओवर में विकेट गिरा था और अगला विकेट ढूंढने के लिए तकरीबन 24 से 25 ओवर लग गए श्रीलंका की टीम को, और ये जो टाइम हमने आपको बीच का बताया है इसमें इतनी तबाही मची, ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोस्तों सामने 350 का स्कोर हो, कप्तान आउट हो जाए और 37 पर 2 विकेट हो तो हार तो निश्चित होती है, लेकिन हार के विरुद्ध लड़ते हुए इस टीम के सलामी जोड़ी बैट्समैन रिजवान ने वाकई में दोस्तों काया पलट कर दी इस मैच में, और उनसे भी ज्यादा बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों अब्दुल्ला शफीक नाम के खिलाड़ी ने करी। अपनी टीम को मुसीबत में फंसता हुआ देखकर दोस्तों T20 का बुखार उतार कर इस खिलाड़ी ने वनडे स्टाइल अपनाया और 103 गेंदों में 10 चौके 3 छक्के जड़कर ये भी शतकीय पारी खेलकर गए, पूरे 113 रन लगा गए, और यहीं से कॉन्फिडेंस मिला रिजवान को, और रिजवान ने फिर दोस्तों चौके पर चौके व छक्के जड़ने शुरू कर दिए, जिन्होंने 93 गेंदों में फिर 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, और अब जीतने के लिए जो अंतर था ना वो इतना ही बचा था कि बस 60 गेंदों में 75 रन चाहिए थे पाकिस्तान की टीम को, जिसके बाद दोस्तों रिजवान ने भी अपना शतक पूरा किया। बस फिर क्या होना था, अब कोई शतक अर्धशतक तो लगाने नहीं थे और किसी को किसी बात की चिंता भी नहीं रही, जिसके चलते रनों की रफ्तार बढ़ गई और गेंदे भले ही कम हो रही थी लेकिन रन बड़ी तेजी से बन रहे थे, जिसके चलते आगे चलकर दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने बड़ी आसानी से मैच को जीत कर अपने नाम आखिरकार कर ही लिया। दोस्तों इस जीत से पाकिस्तान ने वाकई में सबको बता दिया है अगर गेंदबाजी फ्लॉप हुई तो बल्लेबाजी में भी वो किसी से कम नहीं, और ये एक चेतावनी है भारत के लिए। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत पाकिस्तान का जब मैच होगा तो उसे कौन जीतेगा, भारत या पाक, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।